मैं सेराराम सिमार मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एसआर सिमार में आपका स्वागत करता हूँ। कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था और बीच जंगल में उसने देखा कि एक हाथियों का झुंड एक तालाब के किनारे पानी पी रहा था। हाथियों का जो मालिक था वो एक बड़े से हाथी को एक रस्सी से बांध रहा था। वो शरारती था हाथी, कहीं भाग ना जाए। तो उस राहगीर के मन में एक जिज्ञासा हुई और उसने उससे पूछा कि महाशय एक बात बताइए, ये इतना बड़ा हाथी है, इसको आपने रस्सी से बांधा है, हाथी के लिए ये रस्सी बहुत छोटी है, ये इसको तोड़ देगा। तो जो उसने महाशय ने जो महावत ने जवाब दिया वो बड़ा सुंदर था, दोस्तों सुनिएगा। उसने कहा, जब ये हाथी छोटा बच्चा था तो मैं उसको इसी रस्सी से बांधा करता था। उस समय इसने कई बार तोड़ने का प्रयत्न किया था, लेकिन ये रस्सी इससे भारी थी, उसके शरीर से काफ़ी, इसलिए वो उसको तोड़ नहीं पाया। कई बार प्रयास करने के बाद भी तोड़ नहीं पाने के लिए उसने अपना माइंड सेट कर लिया, अपना मन बना लिया कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। अब ये इतना बड़ा हो गया है लेकिन तोड़ने का प्रयास नहीं करता है, इसलिए ये रस्सी नहीं टूटेगी, क्योंकि ये तोड़ने का प्रयास ही नहीं करेगा। तो मित्रों, हमने भी हमारे जीवन में अंग्रेजी सीखने के बहुत सारे प्रयास किए हैं और हम नहीं सीख पाए हैं। समय के साथ साथ आपके शब्दकोश में, आपके व्याकरणिक ज्ञान में वृद्धि होती गई है, लेकिन हमने मन बना लिया है कि हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते और हम कोशिश ही नहीं करते उस हाथी की तरह। मैं पुणे में आपसे निवेदन करता हूँ कि घर से निकलते समय मंजिल स्पष्ट होनी चाहिए। बिना मंजिल अगर घर से निकल पड़े तो कहाँ पहुँचेंगे, किसे पता। हमारा मंजिल है, हमारी मंजिल है अंग्रेजी सीखना, और आँखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा लो। अंग्रेजी सीखना है तो सीखना है, धैर्य रखना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, डेडिकेशन लाना पड़ेगा, कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हम जीवन में छोटी छोटी गलतियां करते हैं और अंततः जाकर के वो गड़ी गलती बहुत बड़ी बन जाती है। एक राजा थे, शिकार पे निकल रहे थे, उनके मुख्य सलाहकार ने पूछा, महाराज जा रहे हो शिकार पर? महाराज ने बोला, हाँ मैं शिकार पे जा रहा हूँ, कुछ सलाह है तो दीजिए। सलाहकार ने कहा, महाराज जिस जंगल में आप शिकार करने के लिए जा रहे हो वहाँ पर एक छोटा सा आदमी आपको युद्ध के लिए ललकारेगा, और वहाँ पर आपको उसे युद्ध करना है और उसको मार देना है। महाराज जी ज्यों ही शिकार करने गए, घने जंगल में प्रवेश किया, तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा वो जाकर के उसको महाराज को कहता है, हे किंग वेर आर यू गोइंग, इट्स माई किंगडम, आई विल नॉट लेट यू एंटर इन माई किंगडम, ये मेरा साम्राज्य है, मैं उसमें प्रवेश नहीं करने दूंगा, मेरे साम्राज्य में घुसने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। राजा घोड़े से उतरा, उस बच्चे को मारा और बच्चा भाग गया। राजा ने उसको मारा नहीं, थप्पड़ मारी और वो भाग गया। राजा ने उसके ऊपर दया की, छोड़ दिया। जब शिकार करके राजा महल में वापस आया तो सलाहकार ने पूछा, महाराज क्या आपने उस बच्चे को मार दिया? महाराज ने कहा, नहीं वो तो छोटा बच्चा था। कि महाराज आपने गलती कर दी, आपको उसको मार देना चाहिए था। कुछ दिनों बाद महाराज फिर से उसी जंगल में शिकार करने जा रहे थे। सलाहकार ने फिर कहा, महाराज इस बार उसको मार देना। फिर राजा जंगल में जाता है, फिर से वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, युद्ध के लिए ललकारता है, राजा फिर से उसको छोड़ देता है। ये सिलसिला कई दौर तक चला और एक टाइम ऐसा आया कि राजा बूढ़ा होने लगा और वो बच्चा बड़ा होकर जवान होने लगा, और उसने राजा को युद्ध के लिए ललकारा, राजा अगर तुझे मेरे जंगल में, यहाँ पर मेरे साम्राज्य में अगर शिकार करना है तो मुझे युद्ध में हराना पड़ेगा। राजा घोड़े से नीचे उतरा और उस व्यक्ति और उस राजा के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई हुई, और राजा नीचे और वो जवान लड़का राजा के ऊपर। उस समय राजा को ज्योतिष की बात याद आई कि काश मैंने उस ज्योतिष की बात उस समय मान ली होती, मैं पहली बार जब इसे युद्ध किया मैंने इसके ऊपर दया नहीं की होती, इसको अनदेखा नहीं किया होता उस टाइम, तो शायद ये मुसीबत बन करके मेरे ऊपर नहीं बैठता। राजा ने जैसे तैसे भी करके छुपी हुई कटार निकाल के उस जो है उस लड़के को मार दिया।
और मार करके शिकार नहीं करके राजमहल में आया और उसने बोला सलाहकार को कि काश मैं आपकी बात मान लेता तो आज मैं लहूलुहान हालत में नहीं होता। तो मित्रों, जीवन में हमेशा हम जब भी अंग्रेजी सीखने का प्रयत्न कर रहे थे, हमारे गुरुजी ने कहा शब्दकोश याद कर लो, स्पेलिंग याद कर लो, छोटे छोटे सेंटेंसेस याद कर लो, होमवर्क कर लो, कुछ भी कर लो, तो हम हमेशा टालते रहें। हम हमेशा हमारे गुरुजी की सलाह, सलाहकार की सलाह टालते रहें और कभी शब्दकोश नहीं याद किया, कभी कुछ याद नहीं किया, कभी बोला नहीं, कभी सुना नहीं, और ये अंग्रेजी हमारे सामने मुसीबत बन करके खड़ी हो गई है। लेकिन याद रखना, तुम राजा हो और अंग्रेजी तुम्हारे लिए वो जमा लड़का है। जीतोगे तुम भी, सलाहकार की बात मान लो, अपने गुरुजनों की बात मान लो, और इसको जो है छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज मत करो, छोटी छोटी बातों को समय पर जो है उसको ध्यान में लाओ। मालूम है कि आधुनिकता के जद्दोजहद में इस फूडपन में कोई शौंग बना रहा है, फूड शौंग बना रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके मिलियंस में व्यूज़ है। मैं अंग्रेजी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, ज्ञान बांट रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता है, ना ही कोई व्यूज़ मिलते हैं, ना ही कुछ सपोर्ट मिलता है। लेकिन मैं एक बात ये जानता हूँ कि मैं ये बात जानता हूँ कि एक जंगल में बहुत भीषण आग लग जाती है, जंगल के सारे जानवर भागते हैं एक तरफ, और एक चिड़िया होती है वो घड़े में से, मटकी में से चोंच भर पानी लाती है और उस आग पे डालती है। वो चोंच में पानी लेकर आती है, उस आग पे डालती है, वहाँ पर बहुत सारे लोग तमाशा देख रहे होते हैं, कोई भाग रहे होते हैं, बहुत सारे जानवर भाग रहे होते हैं। उस चिड़िया की हरकत देखते हुए एक कौवा कहता है, ओ पागल चिड़िया क्या कर रही है, जंगल की ज्वाला है, ये जंगल की आग है, तेरे चोंच भर पानी से नहीं बुझने वाली। तो चिड़िया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, उसने कहा कि मुझे मालूम है। तो चिड़िया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, उसने कहा कि मुझे मालूम है ये जंगल की आग मेरे चोंच भर पानी से नहीं बुझने वाली, लेकिन सदियों बाद जब इस आग का जिक्र किया जाएगा, सदियों बाद जब इस आग का जिक्र किया जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में गिना जाएगा, तुम्हारी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। मैं ये मानता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँचता हूँ ये मायने नहीं रखता, मेरा नाम हमेशा ज्ञान बांटने वालों में गिना जाएगा, फुफड़पन बांटने वालों में नहीं। मुझे एक याद आ रही है पंक्ति कि मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। मेरा लक्ष्य है अंग्रेजी सिखाना तुम लोगों को, ज्ञान बांटने का, और मैं अपने लक्ष्य पर अडिग हूँ कि कदमों के हालात पर सिकंदर नहीं झुकता, कदमों के हालात पर सिकंदर नहीं झुकता, टूट कर तारा कभी जमीन पर नहीं गिरता, टूट कर तारा कभी जमीन पर नहीं गिरता, गिरता है दरिया बड़े शौक से समुद्र में, गिरता है दरिया बड़े शौक से समुद्र में, लेकिन समुद्र किसी दरिया में नहीं गिरता, समुद्र किसी दरिया में नहीं गिरता। एक मंजिल लेकर के, एक टारगेट लेकर के चलिए घर से निकल करके, कि घर से निकले हो तो मंजिल स्पष्ट होनी चाहिए, बिना मंजिल अगर घर से निकल गए तो कहाँ पहुँचेंगे किसे पता। एक सपना बसा लो आँखों में, एक सपना बसा लो और उस सपने को हकीकत में बनाने के लिए जी जान लगा लो, उस सपने को हकीकत में बनाने के लिए जी जान लगा लो। स्वामी विवेकानंद कहा था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गॉड इज टिल योर गोल इज रिच्ड, जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए रुकिए मत, लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर मंजिल ना मिले, लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर मंजिल ना मिले तो मंजिल नहीं बदलनी चाहिए, रास्ते बदल देने चाहिए। YouTube चैनल पर ज्ञान बांटना और हौसला बनाए रखना आसान काम नहीं है, धैर्य रखना पड़ता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मेरा मकसद कुछ अच्छा लिखना है, कुछ अच्छी यादें छोड़ना है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मरने के बाद भी अगर ज़िंदा रहना है, कि मरने के बाद भी अगर ज़िंदा रहना है तो लिखने लायक कुछ कर जाना या पढ़ने लायक कुछ लिख जाना, लिखने लायक कुछ कर जाना या पढ़ने लायक कुछ लिख जाना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मेरी वीडियोज़ वगैरह जो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ,
ये जो है मेरी यादें रहेगी। मैं घर से निकला हूँ मंजिल पाने को, तो मंजिल तो मिल जाएगी भटक के ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मित्रों, अगर आप वास्तव में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं मेरे साथ, तो आपको निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी, अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, पैशंस रखना पड़ेगा, डेडिकेशन और पेशन लाना पड़ेगा। और जब आप पैशनेट हो जाओगे किसी चीज़ के प्रति, एक जुनून अंदर से क्रिएट हो जाएगा, आपको उसको मज़ा आने लग जाएगा, तब आप डेफिनेटली जो है बहुत अच्छा करने वाले हो। कोशिश करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश ना करने वाले छोड़ जाते हैं। मुझे हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्तियाँ भी याद आ रही है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर शोबार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, घिर कर चढ़ना चढ़कर घिरना ना अखरता है, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गेरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गेरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, मुसीबतों से डरकर मत भागो तुम, मुसीबतों से डरकर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक जिद और जुनून पैदा करने के बाद हमेशा ये सोचिए कि हमें काबिल बनना है, कामयाबी के पीछे नहीं भागना है, हमें नौकरी प्राप्त करनी है, हमें अंग्रेजी सीखनी है, हमें ये करना वो करना है। आप काबिल बनिए, कामयाबी आपके पीछे दौड़कर आएगी। दुनिया, मैंने कहीं कोटेशन पढ़ा था, उसमें लिखा था कि आईएएस बनने के लिए मत पढ़ो, दुनिया जानने के लिए पढ़ो, आईएएस बन जाओगे। यानी कि ज्ञान प्राप्त करना आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, कि जितना ज़्यादा हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज्ञान अर्जित कर सकूँ। कई लोगों को लगता है कि एक ग्रामीण क्षेत्र का होते हुए भी मैंने अंग्रेजी के ऊपर ठीक पकड़ बनाई है, लेकिन लोगों को ऊंचाइयां दिखती है, पैरों के छाले कभी नहीं दिखते हैं। तो उसके लिए काफ़ी रातें काली करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मैंने कुछ किया है, कुछ पाया है, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है, और कुछ मेरी मेहनत। तो मेहनत के बारे में चंद पंक्तियां फिर से याद दिलाता हूं कि मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, मैं आसमां से ज़्यादा जमी की कदर जानता हूं। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियों को, लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियों को, मैं मगरूर दरख्तों का हसर जानता हूं, मैं मगरूर दरख्तों का हसर जानता हूं। कुछ पाया पर कुछ भी अपना नहीं माना, कुछ पाया पर कुछ भी अपना नहीं माना, क्योंकि मैं आखिरी ठिकाना अपनी कब्र जानता हूँ, क्योंकि आखिरी ठिकाना अपना कब्र जानता हूँ। मेहनत बड़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, मेहनत बड़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, मैं हाथों के छालों में छुपी लकीरों का असर जानता हूँ, मैं हाथों के छालों में छुपी लकीरों का असर जानता हूँ। बेवक्त बेहिसाब बेमिसाल मुस्कुरा देता हूँ, बेवक्त बेहिसाब बेमिसाल मुस्कुरा देता हूँ, मैं आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूँ, मैं आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूँ।